साडी बदकिस्मती देखो कि सानू साडा इतिहास साडा विरसा बचाउण दे लई सड़कां दे उतरना पै रहा है। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड घेरना पै रहा है। आपां किहड़े मुल्क च रह रहे हैं, जिहड़े मुल्क दे अंदर लगातार साडे इतिहास दे उत्ते हमले ने, लगातार साडी पंजाबी मां बोली दे उत्ते हमले ने, लगातार साडे कुदरती स्रोतां दे उत्ते हमले ने। हाले तो देखोगे की हुंदा है, क्योंकि आपां सुते पए आ, आपां घरां च बंडे होए आ, अपने धौण च किला बहुत है कि असी इहदे नाल क्यों तुर गए, असी उहदे नाल क्यों तुर गए। आ देखोगे 328 सरूप जिहड़े गायब होए है, ये किथे गए है? ये नागपुर गए है, जितों गड़बड़ा करके लिया के साडे गुरु घरां दे विच लिया के रखणगे। ये इत्थे नहीं खड़नी गल, इहदा गल बहुत अगे जानी है। किवें आपां इह कदे सोचे ही नहीं कि कौमां दी नजरकुशी किवें हुंदी है, कौमां दी नजरकुशी दे ढंग तरीके बदल गए है। पहला जमाने होर सी, सिद्धे रूप च मारिया जांदा सी, बथेरे धार भी साडे चढ़ चढ़ के आए पर मूंह दी खा के मुड़े आ। पता अगले नूं भी लग गया कि सिद्धे मत्थे लोट नहीं आउंदे, ढंग तरीका बदलना पैणा। कहा जांदा सी मन्नू साडी दातरी, असी मन्नू दे सोए, ज्यों ज्यों मन्नू बढ़दा ही दून सवाए होए। जदों जदों सानू जंगा पेश होईयां, असी उन्हां जंगा युद्धां दे विचों दुगने चौगने होके बाहर आए हैं, हिक्कां डाह के लड़े हैं। पर हुण दुश्मन ने तरीका बदल लिया, जदों साडियां किताबां दे विचों इतिहास खत्म कर दिता जाऊगा, साडियां इतिहास दीआं निशानियां ढह ढेरी कर दित्तियां जाणगियां। जिवें कि आपां देख रहे हैं साडे बुंगे कित्थे चले गए, साडियां दर्शन ग्योहड़ियां कित्थे चलियां गईआं, चमकौर दी कच्ची गली कित्थे चली गई, ठंडा बुरज कित्थे चलिया गया, आनंदपुर साहब दे किले कित्थे चले गए। साडी एक एक करके सारियां निशानियां ढह ढेरी खत्म कर दित्तियां गईआं, उहनां दे उत्ते गुरद्वारे उसार दित्ते गए। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਆ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੋਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜੋ RSS ਦਾ ਪਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਪੈਸੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ 40 ਪੈਸੇ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
पर आप किथे जाके आप किथे बोले हैं सियासी बंदियां दे बयान आए हैं कले के पंजाब नाल धक्का है कले बयान नाल गल नहीं बननी इहदा मोर्चा लाउणा पैणा है पंजाब दे लोको एक गल अपने चेतियां च बसा लिओ कि पंजाब उस रुख वर्गा है जिहड़ा रुख किसे नदी के किनारे ते खड़ा है ते कदों कोई तेज छल ने आउणा है ते उस रुख नूं उखाड़ के जदों लै जाणा है साडे हालात वी उही है पंजाब भी उस रुख वर्गा है पर छलां दे रहण यह दुश्मन के हमले रोकने पैने हैं यह नहीं रोकने भी बयान देते कले भी ठीक है बैमाना मसले हल हो जाने हैं दुश्मन लगातार हल्ले से हल्ला बोल रहा है हमले से हमला कर रहा है और लगातार सियासी बंदियां ने सिर्फ अपनिया कुर्सिया की खातर अपनिया वजीरिया की खातर सत्ता की भुख की खातर इन्हों लोगों ने पंजाब के हक से पंजाब के हित हमेशा सेंटर को बेचे है अज देखो सरकार की भी है पंजाब दे विच कांग्रेस सरकार है एडा वड्डा हमला हो जाए एडा वड्डा धक्का हो जाए पंजाब दे नाल किसे चन्नी वर्गे दा किसे ना दे मंत्री दा कोई बयान नहीं आ राजधानी पंजाब दी चंडीगढ़ 28 पिंड पंजाब दे जिहड़े ही जदों चंडीगढ़ बसाया गया सी लगातार सारे सूबिआं नूं राजधानियां मिल गईआं लगातार शहर तों बाद पंजाब नूं राजधानी नहीं मिली उस राजधानी के विचों भी पंजाब की जिहड़ी हिस्सेदारी आ दावेदारी है वह खत्म की जा रही है आ देखिया तुसीं बिजली बोर्ड की जिहड़ी जायदाद सी वह प्राइवेट रखा दिती गई है ते किसे पंजाब सरकार नूं पंजाब दे लोकां नूं पुछिया तक नहीं गया ते किसे पंजाब सरकार ने कोई सेंटर की हुकूमत दे कोले अपना विरोध नहीं दर्ज कराया कोई गलबात नहीं हुई बस दो चार अखबारी बयान आ गए उदू गांह के गल नहीं बधी पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जिन्हें आप कहने हैं उहदे विचों भी पंजाब नूं कढ़िया जा रहा खत्म किया जा रहा है किन्ना चिर यार किन्ना चिर यह गल्लां किन्ना चिर घरां च बैठ के सोचते रहांगे विचारते रहांगे लड़ाई आर पार की लड़नी पैनी है निकलना पैना घरां तों कट्ठे होना पैना है सिर जोड़ना पैने है जे आई अड्डो फाटी रहे एक दूजे दे लत्तां खेडे रहे कि असीं उहदे नाल नहीं जाणा असीं उहदे नाल नहीं तुरना साढ़े हजारां हजार मतभेद होणगे बखरे ने होणगे पर तुहानूं अज अपील करदा है कि जे पंजाब नूं बचाउणा पंजाबियत नूं बचाउणा है साडे इतिहास नूं बचाउणा साडे विरसे नूं बचाउणा है इन्हां बोलियां नाल पाणियां नूं बचाउणा है तां पंजाब दे लोकों इकट्ठे हो के लड़ना पैणा तुरना पैणा तां ही कोई हल निकल सकदा है नहीं गल मेरी याद रखियो पंजाब कोले बहुता समां बचिया नहीं वैसे ही पंजाब तां खाली हो चलिया 250 विद्यार्थी रोज पंजाब दा बाहरले मुल्कां नूं जहाजा दे चल रहे है 250 की गिणती है रोज की आप हिसाब ला लो महीने का किन्ना हो गया ते साल का किन्ना हो गया लगातार पंजाब खाली लगातार पंजाब वेला हो रहे हैं सरकारी नौकरियां प्राइवेट नौकरियां इत्थे यूपी बिहार बंगाल हिमाचल के बंदे लिया के दिखाई जा रही अज तो वैसे ही खत्म हो चले ये 15-20 साल बाद पंजाब पंजाब नहीं रहना मेरी गल याद रखियो जेड़े हालात साडे बने हुए है इस करके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਇਕੱਲੇ ਕੱਟ ਕਰ ਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਲੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਬਣਗੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 22 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਵਾਲੇ ਗੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਛੱਡੋ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ
हुण गल फड़ने पैणे आ, हुण हाथ जोड़े गल नहीं बननी, मैं तरले करके गल नहीं बननी, भेरियां ते कमेटियां बन गईयां, भेरियां बरताला होणगियां, पर की कहदे कोई गल नहीं जी, पड़ताल होगी, किताब गलत पाई गई है, गाहां नूं नहीं लिखदे, आई हुंदा है, गाहां फेरे चाल चलणगे, जदों आपां नूं पता लगदा तां बहुत देर हो जांदी है, फिर कह दिंदे वी कोई गल नहीं बंद कर दिंदे आ, लगातार साडे ते हमला भड़ावो, जागदे रहो जागदे, दो अखां दे नाल दिमाग दी तीजी अख भी खोल के रखियो, हमेशा घर के बच्चे अपने जवाकों दी किताबां देख लिया करो कि की पढ़ाई जांदे आ, अजकल किताबां च पता की पढ़ाया जा रहा है, कई दिन हो गए मैं स्कूल की एक कापी देख रहा सी, उस लिखा गया बच्चों एक सवाल पूछा गया कि दसिया जाए ऐश्वर्या राय किहदी नूंह है, अमिताभ बच्चन ने किन्नियां फिल्मां च काम किया है, धर्मेंद्र ने किन्ने ब्याह होए है, यह पढ़ाया जा रहा सब, और आप भरावो मैं गलती अपनी मानता भाई, क्योंकि आप जागे ही नहीं, आप सोचे ही नहीं, मैं हुण चोणां दे प्रचार च गया, तीन चार महीने मैं लोगों को जाता रहा, मैं कहना रहा मैं पंजाब के लोगों, साडा पानी मुक चलिया, पत्तों सुख चले, दरियावां दे पानी जहरीले हो चले, साडे कोल 15-17 साल का पानी बचे, साडी मां बोली मर चली, साडा इतिहास मार दिता गया, साडियां निशानियां ढह ढेरी कर दित्तियां गईयां, साडी जवानी बाहरों मुल्कों नूं उड़ चली, साडी जवानी चुक्कियां नाल मर चली, तां लोग बड़ा की सोचते सी, अच्छा यार ये भी मुद्दा है, सानू ए नहीं पता भी ये मुद्दे ही ने सर, साडे मुद्दे ही गलियां नालियां सड़कां टोपियां तक ही खड़े आ, इस करके सब तो अहम गल मैं कहना चाहना खीर से कि अपना दिमाग खोल के रखो, चकन्ने रहो, पूरी तिखी नजर रखो कि किथे किथे साडे ते हमला हो रहा है, ते हमले का टाकरा करने भी तैयार रहो, लड़ना पैना है, लड़न वाली कौम संघर्ष करने वाली कौम ही चाहिए रहा ने, जड़िया कौम जड़िया कौम लड़ाई तो पासा बच जाने ने, तल लग जाने, संघर्षा के राह भुल जाने, कौम खत्म हो जाने, इन मैं बेनती करता हुआ समुची संघ का धन्यवाद करता, दलियाल साहब बैठे ने, वक् वक् जथेबंदियों के आगू साहबान आए ने, और जिन्हिया भी जथेबंदियां ने कट्ठियां इतने आईया ने, जां होर भी पंजाब दे जिन्हिया जथेबंदियां वक् वक् खेत्रां दे कम करदियां ने, उन्हां नूं कहना चाहुंदा है कि जिहड़ा आल इहदा आपां मोर्चा ला लिया, अगला मोर्चा जिहड़ा राजधानी चंडीगढ़ लैण दी गल, इहदे पंजाब दी दावेदारी ठोकण दी गल कि पंजाब दी है, ते दूजी जिहड़ी आ भाखड़ा ब्याह प्रबंध बोर्ड दे विचों सानूं कढ़िया गया, इहदे लई भरावो मोर्चा खोलना पैणा, हुण सरकारां तों कोई झाक ना करियो, आ वेख लो 10 तरीक नूं सरकार कोई नौकरी बन जानी है, पर उही बाहां उही कहाड़ी रहनी है, पर नारा उत्थे दा उत्थे रहना, मसले का हल नहीं भरावो होना, जिहड़ा साडे लोकां नूं जागना पैणा, सानूं ही लड़ना पैणा, सानूं ही घरां तों बाहर निकलना पैणा, ते मैं उम्मीद करदा कि साडियां जिन्नियां भी जथेबंदियां हैगियां ने अगवाई करनी आ, ते सारे लोकां नूं नाल लैके चलणगियां, सारा धन्यवाद, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, जयकारा जयकारा लावांगे, पूरा बुलंद आवाज दे विच जवाब देना है, ते दो नारे जिहड़े पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड इहदे खिलाफ सरकारां दे खिलाफ भी लावांगे, आवाज दे नाल इहनां दे दिल कंबणे चाहीदे है, अंदर बैठे नूं हट टैग आना चाहीदा भी हां लोग इकट्ठे हो गए, ते लोग साडियां गर्दनां नूं फड़नगे, यह होना चाहिए, इसको पता लगे भी हां लोग कले सड़कों पर नहीं बैठना जानते, कली जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करना जानते, ये लोग साडे गलां नूं फड़नगे, ये गल भावों तक पहुंच चुकी है।